गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र अंतर्गत रुस्तमपुर के बघा वीर बाबा के पास बीती रात चोरों ने एक घर में घुसकर 4 से 5 लाख रुपए के सामानों पर हाथ फेरा। आपको बता दें कि रुस्तमपुर बघा वीर बाबा स्थान के पास देवेश चंद्र के घर में सोमवार की रात चोरों ने घर में रखे जेवर और टीवी अन्य महंगे सामानों पर हाथ साफ किया। देवेश चंद्र का परिवार अपने गांव अपनी पुत्री के जन्मदिन मनाने के लिए चले गए और घर पर कोई नहीं था। खाली घर देख चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। अभी कुछ दिन पहले ही देवेश चंद्र की बहन की शादी तय हुई थी, जिसके लिए उन्होंने गहने और कपड़े तैयार करवा रखे थे। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पीड़ित देवेश चंद्र का कहना है कि हम कल अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाने के लिए अपने गाँव गए थे और आज सुबह 7 बजे आने पर मैंने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था और बहन की शादी के लिए जो गहने और कपड़े बनवाए गए थे वो गायब मिले। इसकी सूचना मैंने पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि चोरी की तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसके तत्काल बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित देवेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा जी। मेरा नाम देवेश चंद है जी। एक चोरी कल हुई। कल हमने हमारी बेटी का बर्थडे था, हम सारा परिवार गांव चले गए बर्थडे मनाने के लिए। वहाँ ताला बंद करके गए। हम सुबह 7 बजे हम लोग आए तो यहाँ ताला टूटा हुआ मिला है। घर में गए तो सारा सामान गायब था, जितना सोना कपड़ा सब गायब था। आपको क्या लग रहा है, कितनी की चोरी हुई? अब जैसे शादी का समय था, मेरी छोटी बहन की शादी तय थी, सारा जेवर था, एंगेजमेंट हुआ था कुछ दिन पहले, तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का जेवर और सारा कपड़ा और एक टीवी सारा गायब है। क्या आप लोगों को पता लग पाया कि रात में या कभी ये चोरी को अंजाम दिया? नहीं, जैसे हम सुबह 7 बजे आए थे तो ये रात में चोरी हुई, 12 बजे तक के बाद की चोरी लग रही है, क्योंकि उससे पहले ये चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि 3-4-5 घंटे का समय लगा है पूरी चोरी करने में, जैसा मुझे लग रहा है। पुलिस को सूचना दी? हम आने के बाद जब हमने एक मौके पर देखा तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने तफ्तीश किया, उसके बाद कहा कि आप थाने पे और रिपोर्ट दे दीजिए। हम खोराबार थाने में रिपोर्ट कर चुके हैं जी। जी, खोराबार के क्षेत्र में काफ़ी दूर दराज का इलाका है, काफ़ी बाहर का है। यहाँ पर आज सुबह पता चला है कि एक मकान में चोरी, कुछ मकान के लोग जो है रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं सभी लोग गए थे किसी फंक्शन में, और इसमें पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तुरंत ही FIR लॉन्च कर ली है और जो भी इसमें आरोपित हैं उनकी तलाश जारी है। हर तरह से हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि चोरों को पकड़ लिया जाए।